तो आप अपनी फिल्मी करियर से संतुष्ट रही हमेशा आ, कम फिल्मों में काम किया क्योंकि आपके पास आ, आपका एक सामाजिक फेस बन गया था जिसको आपको मेंटेन करना था हर तरह के कपड़े हर तरह की भाषा हाँ। फिल्म के सब्जेक्ट को बहुत ध्यान रखना पड़ता था हाँ सो so, डेफिनेटली एक, एक एक क्या बोल सकते हैं कि आई वांटेड टू डू लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ वर्क एज एन एक्टर मुझे हमेशा से यह था कि अलग-अलग किस्म के रोल करूं नहीं सोचा था मैंने हिंदी इंडस्ट्री में उस टाइम पे तो uh, एंट्री नहीं मिलती मुझे क्योंकि ऑलरेडी मैं सीता बन चुकी थी और उसके पहले uh, जो चल रहा था तो इतना कुछ खास काम नहीं मिला मुझे इतना मतलब मजेदार काम नहीं मुझे मिला जो मुझे पसंद आता सो so, आई पेंग so, uh, uh, गेस्ट uh, की उसके बाद तो लाइन ही लग गई मतलब तीन चार साल तो कंटिन्यूस और उसके बाद सागर के साथ मुलाकात हुई तो वो दूसरे तीन चार साल ऐसी लाइफ के निकल गए तो मतलब टाइम ही नहीं मिला की भाई वापस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जाऊँ क्योंकि बहुत वो हो गया था पर आई थिंक कहीं ना कहीं एक, एक एक अफसोस रह गया है कि मैं जो करना चाहती थी जैसे मुझे लॉयर का अगर काम करना है अभी आजकल जो विद्या बालन है या कंगना रनावत है वो लोग भी एक कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं वो लोग बेसिकली आर नॉट ओनली हीरोइंस यू नो अच्छे कैरेक्टर्स वो लोग प्ले करते हैं जैसे तुम्हारी सुलू में था फिर एक मिशन मंगल में विद्या बालन का रोल था सो आई फील कि ये टाइप की जो रोल्स हैं वे आर वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग आई थिंक uh, अच्छे भी लगेंगे मुझ पर और मैं uh, करना भी चाहूंगी सो आई थिंक आई वुड नाउ लाइक टू ट्राई थिंग्स लाइक दैट या हमने खै, खैर इस पर रिपोर्ट की है कि आप किस तरह का काम करना चाहती हैं और आगे इस पे बात भी करेंगे वीडियो में क्योंकि हम पहली बार बात करें आ, uh, लेकिन आपने राजकिरण के साथ काम किया था सुन मेरी लैला आपकी ये डेब्यू फिल्म थी क्या जी हाँ ये मेरी डेब्यू फिल्म आ, थी फिर मुलाकात हुई में डोंट नो बट वो तो uh, काफी उन्होंने काम किया बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया स्मिता शबाना जी uh, महेश भट्ट की पिक्चर एक अर्थ की बहुत सारी पिक्चर उनके बाद उनके पर्सनल लाइफ में आई कुछ हुआ था एंड वो गायब हो गए तो किसी को नहीं मालूम कि कहाँ गए क्या हुआ है कहीं किसी ने एक टैक्सी वाले ने अमेरिका में उनको देखा और कहा कि ये राजकिरण है तो उस टाइम पे कुछ न्यूज आई दस पंद्रह साल पहले कि राजकिरण अमेरिका में नजर आए हैं तो नोबडी नोस वो कहाँ है क्या है इनफैक्ट ऋषि कपूर जी के साथ उन्होंने कर्ज की थी तो ऋषि कपूर जी ने एक्चुअली इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई भी मुझे राजकिरण के बारे में बताएगा तो मैं उसको कुछ इनाम दूंगा तो मतलब इतनी पूरी इंडस्ट्री यू uh, नो you know, वो मतलब क्या बोलते हैं uh, खोज में थी राजकिरण जी की कि भाई कहाँ है क्यों चले गए वो वेरी फाइन एक्टर वेरी गुड एक्टर एंड वेरी पावरफुल एक्टर एंड

तो मुझे लगता है कि आई एम अ स्पॉन्टेनियस एक्टर माई फर्स्ट टेक टेक इज ऑलवेज बेस्ट आई फील दैट वे तो वो भी ऐसे ही <laughs> एक्टर थे स्पॉन्टेनियस